आप तो आरोप है, आप आरोप है, आपका वीडियो है मेरे पास। आरोप तो आरोप लोग लगाते हैं, लेकिन कुछ लुक्का टाइप होते हैं लोग, जिसको मालिक को फोटो भेजना पड़ता है तभी उसका रोजी रोटी चलता है। तो इसीलिए जो है वो मालिक को वीडियो भेज रहा है, कार्यक्रम है, कार्यक्रम हो रहा है। मालिक का, आपका मालिक का मतलब क्या है? मालिक किसको कहना चाह रहे हैं? ऐसा क्या करते हैं भाई, आपको मना करते हैं फिर मोबाइल का है? रुक जाइए, ऐसे मत करिए। क्या क्या सर? चुनावी मौसम आते ही विधायक अपने क्षेत्र में एक बार फिर से सक्रिय हो रहे हैं। कई पार्टियों के मंत्री, विधायक और नेता अपने अपने क्षेत्रों में उद्घाटन और शिलान्यास में लग गए हैं। दरभंगा से विधायक हैं संजय सरावगी, ये लगातार 4 बार से इस सीट से बीजेपी के विधायक हैं। संजय पहुंचे तो थे एक सड़क का शिलान्यास करने, लेकिन यहाँ उन्हें जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। लोगों ने विधायक को घेर कर उनके खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए। सवालों से परेशान विधायक ने सवाल पूछ रहे युवक से ही मोबाइल छीन लिया और उसे नसीहत देने लगे। आप आरोप है, आपका वीडियो है मेरे पास। आरोप तो आरोप लोग लगाते हैं, लेकिन कुछ लुक्का टाइप होते हैं लोग, जिसको मालिक को फोटो भेजना पड़ता है तभी उसका रोजी रोटी चलता है। तो इसीलिए जो है वो मालिक को वीडियो भेज रहा है, कार्यक्रम है, कार्यक्रम हो रहा है। मालिक का, आपका मालिक का मतलब क्या है? मालिक किसको कहना चाह रहे हैं? ऐसा क्या करते हैं भाई, आपको मना करते हैं फिर मोबाइल का है? रुक जाइए, ऐसे मत करिए। क्या क्या सर? लोगों का आरोप था कि जहां पथ निर्माण लिखा होना चाहिए था वहां मरम्मत लिखा है। कुछ दिनों बाद ही चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। इससे पहले भी कबीलपुर में एक नाला का वो शिलान्यास करके चले गए, लेकिन आज तक वो नाला की कार जो है तो शुभारंभ नहीं हो सकी। फिर उसी के तहत आज वो फिर से कबीलपुर में आते हैं और रोड का शिलान्यास करके जाने की कोशिश करते हैं। हम सभी युवा मिलके उनका जबरदस्त प्रतिकार किए हैं। आने वाले दिनों में अगर हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, हम लोग एक साथ उतर के नगर विधायक का पुतला दहन करने का काम करेंगे। अगर जेल जाने का मौका मिलेगा तो हम लोग जाएंगे, लेकिन यह शिलान्यास कार्यक्रम को अब हम लोग बंद करा के रहेंगे। पिछले एक महीना के अंतर्गत उन्होंने 25 शिलान्यास कर दिए हैं। आखिर ये क्या चल रही है? यहाँ के युवाओं को प्रश्न पूछना पड़ेगा। नगर विधायक महोदय जी बौखला गए। हम लोग जब युवा प्रश्न किए जो आखिर आप शिलान्यास कार्यक्रम करके क्या दिखाना चाहते हैं। बहरहाल विधायक के कामों से जनता कितनी खुश है इसका जीता जागता उदाहरण आप खुद देख ही रहे होंगे। वहीं विधायक संजय सरावगी का क्या हाल होगा ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि विधायक को जनता उतने सस्ते में छोड़ने के मूड में नहीं है। बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए कई दलों द्वारा चुनाव को टालने की अपील के बाद चुनाव आयोग ने हाल में कहा था कि 29 नवंबर से पहले ही बिहार के चुनाव होंगे। मौजूदा वक्त में बिहार में एनडीए की सरकार है। 243 विधानसभा वाले इस प्रदेश में 2015 के चुनाव में आरजेडी ने 80, जदयू ने 71, बीजेपी ने 53, कांग्रेस ने 27 और अन्य ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दरभंगा से प्रहलाद, बिहार तक।